अपनी मेहनत पे पानी मत फेरो, आपकी मेहनत है आप ही समझ सकते हो, कोई दूसरा नहीं समझेगा। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो घटा हुआ वजन है वो कभी भी नहीं बढ़ेगा। मैं आपको बताने वाली हूँ, वजन हम घटा लेते हैं उसके बाद वजन दोबारा क्यों बढ़ने लगता है, क्या रीजंस हैं वजन बढ़ने के। वजन तो कोई जल्दी कोई लेट कम कर ही लेता है, लेकिन मुश्किल बात यह है कि वजन कम करने के बाद वजन को मेंटेन करना। अक्सर देखा जाता है लोग वजन तो कम कर लेते हैं बट वजन दोबारा बढ़ने लगता है। मैं आपको सिंपल चार चीज़ें बताती हूँ हमारा घटा हुआ वजन क्यों बढ़ने लगता है, तो बताती हूँ इनके कारण। नंबर वन है पुरानी आदतों को फिर से शुरू कर देना। लोग जैसे ही वजन घटता है फिर से वही गलत चीज़ें करने लगते हैं, जैसे मीठा खाना, जंक फूड खाना, पैकेज फूड खाना, ऑयली चीज़ों का सेवन करना। उनको ऐसे लगने लगे कि वजन अब कभी बढ़ेगा नहीं, ये हमारा शरीर है, हम उसको जैसा देंगे वैसे ही उस पर रिएक्ट करेगा। हेल्दी देंगे तो हेल्दी बनेगा, अनहेल्दी देंगे तो अनहेल्दी बनेगा। नंबर टू है अच्छे से नींद ना लेना। चाहे आप वजन कम कर रहे हैं या आपका वजन कम हो गया है, लेकिन नींद हमको पूरी लेनी ही चाहिए। अगर हमारी बॉडी को पूरी नींद नहीं मिलेगी तो वो थका हुआ महसूस करेगा और हमारा मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाएगा, जिससे हमारी बॉडी वजन कम करना बंद कर देगी और हमारी बॉडी की चर्बी बढ़ने लगेगी। बाकी के वजन बढ़ने के दो कारण मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल से बताती हूँ, तो बने रहें आप मेरी वीडियो में। मेरी 40 मिनट की एक्सरसाइज डन हो चुकी है, अब मैं 20 मिनट थोड़ा पसीना सुखाने के बाद फिर मैं नहाने जाऊंगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आई होप क्या आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पूजा वर्ल्ड लाइफस्टाइल में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा दिन निकला है और मैंने अपनी 40 मिनट की एक्सरसाइज भी कर चुकी हूँ और नहा कर भी आ चुकी हूँ। बस अब मैं अपनी फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक लेने लगी हूँ। फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक में देखते हैं क्या लेते हैं, तो चलो किचन में। तो आज फर्स्ट ड्रिंक मैं ले रही हूँ नींबू पानी, उसमें मैंने ऐड किया है फ्लेवर के लिए और अच्छा भी होता है, ठंडा भी होता है पुदीना। तो आज ये मिंट वाली है, मैं ले रही हूँ लेमनेड और इसमें कोई भी मिठास कुछ भी मीठा नहीं डाला है और ये ठंडा पानी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर जो हम घर पे यूज करते हैं ये वही पानी है। जैसे कि आप देखते हैं मैं साइड ड्रिंक्स यूज करती हूँ, कभी जीरा पानी कभी सौंफ का पानी, मैं सारी बदल बदल के लेती हूँ। तो मेरा मन कर रहा था कि चलो आज नींबू पानी पीते हैं सुबह, और इसको मैंने गुनगुना भी नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इसको नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी यूज किया और बस मैं यही पीने वाली हूँ। अगर पुदीना इसमें ऐड हो जाता है तो बहुत अच्छी ड्रिंक बन जाती है, रिफ्रेशिंग सी ड्रिंक बन जाती है। सुबह सुबह अगर ये ड्रिंक लेंगे शुरुआत करेंगे तो हमारा दिन पूरा अच्छा अच्छा जाएगा, तो बस मैं यही पीने वाली हूँ। ब्रेकफास्ट में ठंडा ठंडा बना रही हूँ आज मैंगो चिया सीड्स पुडिंग, जो कि मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा था, तो मैंने उसके लिए आधा कप दूध लिया, आधा मैंगो लिया है और चिया सीड्स भिगोए थे वो हैं, और पांच बादाम जिनको मैंने कट करके रखा है वो है। तो इसमें हम डालेंगे जो हमने भिगोए हैं चिया सीड्स, इसमें हम डाल देंगे कट किए हुए मैंगोज और इसमें हम डाल देंगे बादाम। तो आज ब्रेकफास्ट के बाउल में है मेरा मैंगो चिया सीड्स पुडिंग, जो कि बहुत ज्यादा यमी होता है और बहुत ज्यादा हेल्दी भी होता है। अगर आपको स्वीट मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो वो भी शांत हो जाती है। सुबह से मेरे को मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, पता नहीं क्यों, सुबह उठते उठते, तो फिर मेरे पास मैंगो भी था तो मैंने हाफ मैंगो लिया और चिया सीड्स ये दूध में ये डाल के मैंने कहा चलो यही बनाते हैं, आपकी क्रेविंग भी शांत हो जाएगी और कितने झटपट बन भी जाता है, और ठंडा ठंडा कुछ खाने का ही मन कर रहा था इसलिए मैंने फ्रिज में दूध लिया, ठंडा ठंडा बनाया और मैं बस इसी को ही खाने वाली हूँ। बट आपके घर जो बना है ना, अगर आपको ये खाने का मन है तो आप ये बना लो, आपके घर रोटी सब्जी बनी है, पोहा उपमा, जो सबके घर ब्रेकफास्ट बनता है, पराठा आपका मन करे आप वो खा सकते हैं, बस क्वांटिटी का ध्यान रखें। तो चलो इंजॉय करते हैं आराम से बैठ के, इसको अच्छे से मिक्स कर लूं मैं, और मैंने इसमें कोई भी मीठा ऐड नहीं किया क्योंकि मैंगो बहुत ज्यादा मीठा है। अगर आपका मन है इसमें मीठा ऐड करने का तो आप एक चम्मच इसमें शहद का डाल सकते हैं, ठंडा ठंडा। मैं मटर छील रही हूँ और मेरे को समझ में आया, कंफ्यूज आज लंच में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, मेरा मन कर रहा है या तो मैं आलू मटर बनाऊँ या फिर दाल बनाऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बट ये कल मैं मटर लेके आई थी, वो तो छील के रखनी ही है ना, तो खराब हो जाएंगे, वही छील रही हूँ। और इतने सस्ते मिल गए थे मेरे को, मैं चार पांच दिन पहले शायद मैं लेके आई थी 100 रुपए किलो, वो आदमी बता रहा था मेरे को, और ये कल मेरे को मिले 40 रुपए किलो हरे मटर। मतलब मैं हैरान हूँ, इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है। तो मेरा प्लान बन गया कि आलू मटर ही बनाते हैं, तो उसके लिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं और 1 प्याज लिया है क्योंकि मेरे को टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं, खट्टी खट्टी सब्जी हो तो, और 2 आलू लिए हैं। बस आलू मटर ही बनाएंगे आज, और मैं इनको रफली चॉप्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर इसको मैं, ये जो मसाला है उसको मैं पीस लूंगी, ग्राइंड कर लूंगी। तो इसमें मैंने 1 चम्मच सरसों का तेल डाल लिया है, अब मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी जीरा, और ये प्याज टमाटर मैंने पीस के रखे थे मैं वो डाल रही हूँ,
थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। थोड़ी इसमें मिर्च डालूंगी, जैसे कि आपको मालूम है ज्यादा मिर्च नहीं खाती हूँ। और थोड़ी सी डालेंगे इसमें हल्दी बस, और कोई भी मसाला मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी। अगर आपका मन है तो आप धनिया पाउडर, गरम मसाला, जो आपका मसाला आप यूज करते हैं, आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी हम इसमें फ्लेवर के लिए डालूंगी मैं कसूरी मेथी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कसूरी मेथी का फ्लेवर। मटर ऐड कर देती हूँ अपने और इनको थोड़ी देर भूनूंगी। मटर काफी अच्छी तरह भून चुके हैं मसाले के साथ। अब इसमें मैं आलू ऐड करूंगी। कुकर बंद कर रहे हैं, पानी मैंने ऐड कर दिया। अब अपने कितने आपको थिक चाहिए या पतला चाहिए उसके अकॉर्डिंग रखें। कुकर बंद करूंगी, इसमें 2 सीटी आएंगी। आज मेरी लंच की थाली में आलू मटर, साथ में 1 कटोरी दही, साथ में 1 कटोरी व्हाइट राइस, साथ में पुदीने की चटनी जो मैंने घर पे बनाई है, और साथ में खीरा, प्याज, टमाटर, जो कि बहुत अच्छी फुलफिल एक अच्छी थाली है, जिससे आपका पेट भी भरेगा और आपको संतुष्टि भी मिलेगी और आपको ये भी नहीं होगा कि आपने कुछ गलत खा लिया है। तो बस मैं आज यही खाने वाली हूँ। जो देखता होगा उसको मालूम ही है कि मैं आलू मटर का कभी रोटी नहीं लेती हूँ, मैं राइस ही खाती हूँ, क्योंकि मेरे को आलू मटर का राइस बहुत ज्यादा यम लगते हैं। मैं यही खाने वाली हूँ। आप रोटी भी खा सकते हैं, राइस भी खा सकते हैं, क्योंकि हमको लंच है ना, लंच अच्छे से करना ही है ताकि हमको संतुष्टि मिले। और ये बस क्वांटिटी, आपको पोर्शन थोड़ा ध्यान रखना। आप देख सकते हो 1 कटोरी राइस है और सब्जी और दही ज्यादा है। बस मैं यही खाने वाली हूँ, तो चलो खाते हैं। दही ली है चावल में, साथ में ली है चटनी, साथ में सब्जी, तो हम यही वाली बाइट खाने वाले हैं। बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है, कम मसालों में सब्जियां बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। हुए हैं शाम के 4:15 हुए हैं और मैं ले रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफी। जैसे कि आपको मालूम है ब्लैक कॉफी लेती हूँ या ग्रीन टी लेती हूँ इस टाइम पे, तो मैं वही ब्लैक कॉफी ले रही हूँ। और आपको लग रहा होगा पूजा रेडी है, पूजा कहाँ जा रही है, तो बस मैं वो होती है ना एंड टाइम पे, आपको लास्ट टाइम पे जो वो आपकी शॉपिंग दे जाती है वो आपको करनी है। और मैं आपको बता दूं, जिस टाइम पे आप ये मेरा व्लॉग देख रहे होंगे उस टाइम मैं अपने घर पे बैठी होंगी, तो बस उसी की तैयारी करने के लिए मैं बाहर जा रही हूँ कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए। तो मैं सोची थी ब्लैक कॉफी पी के जाऊँ, तो ब्लैक कॉफी पी के चलते हैं, आप भी चलो मेरे साथ। तो मैं ये मार्केट आई थी मेरी सिस्टर के लिए चप्पल लेने, उनको घर पहनने के लिए चप्पल लेने थी जो मेरे हाथ में है, मैंने यही वाली ली थी। फिर उसके बाद मैंने अपनी भाभी के लिए फ़ोन कवर लिया, उन्होंने मंगवाया था। फिर उसके बाद मैं मॉल चली गई, मॉल में वो कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। मैं मैक्स जा रही हूँ, मेरे को 2-3 टॉप लेने हैं, मेरी भाभी ने मंगवाए थे। वैसे तो मैं उस दिन ले गई थी, लेकिन उनका दोबारा फ़ोन आया था, इसलिए मैं बस वही देखने आई हूँ कि कोई और अच्छी मिल जाए। तो मैंने ये वाला टॉप लिया था, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, हॉट पिंक। और यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैंने एक यहाँ से बच्चे की टी शर्ट ली थी, मेरे कज़न ब्रदर का बेटा है उसके लिए, लव के लिए ये वाली टी शर्ट ली है, रेड बहुत ज़्यादा क्यूट लगी मेरे को। और फिर उसके बाद मैं बिलिंग की, फिर मैंने दूसरे स्टोर से ये वाली टी शर्ट ली और मैं घर आ गई। मार्केट से आई, थोड़ा लेट हो गई, आपको मालूम है बाहर से कुछ भी नहीं खाया है मैंने, तो बस अब डिनर बनाने लगी हूँ। डिनर में सोच रही हूँ कुछ अच्छा वह हेल्दी था, कुछ फटाफट जो झटपट बन जाए वही बनाती हूँ। तो सोच रही हूँ ओट्स बनाती हूँ, मसाला ओट्स बनाते हैं, तो चलो मैं बनाती हूँ मसाला ओट्स, आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। इसलिए मैंने एक प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च और मटर लिए हैं, और साथ में मैंने 4 चम्मच ओट्स के लिए, नमक, मिर्च, हल्दी और 1 चम्मच सरसों के तेल में बनाएंगे। इसमें हम डाल देंगे प्याज और साथ में मैं अपनी 5 सब्जियां डाल दूंगी, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और ये मटर। अब हम डालेंगे नमक, थोड़ी सी मिर्ची डालेंगे एंड थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, दैट्स इट। और मैं कोई मसाला ऐड नहीं करूंगी, अगर आपका मन है तो आप थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल सकते हैं। 4 चम्मच ओट्स है और इसमें हम पानी डालेंगे, इसमें मैं डालूंगी पानी, आप अपने अकॉर्डिंग शेप डालें आपको कितना पतला या कितना गाढ़ा चाहिए। आज मेरे डिनर बाउल में है वेजिटेबल्स, ओट्स, जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी एंड बहुत ज्यादा यमी है। और ये इसमें मैंने सारी वेजिटेबल्स डाली हैं, जैसे कि प्याज, टमाटर और मटर डाला, मिर्च डाला, और बहुत अच्छा सा मैंने ये हेल्दी से एक बाउल रेडी की है। मैं बाहर गई थी, लेकिन वही है ना कि अगर बाहर जाओ थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप पर। अगर आप कंट्रोल करोगे तभी आप अपना वेट मेंटेन कर सकोगे, तभी आप अपने जो वजन है आपका वो कम होगा। तो इसलिए मैं ये
ये भी खा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्दी भी है और बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगता है मेरे को। तो मैं इसलिए डिनर में ये मैंने सोचा कि चलो झटपट बन भी जाएगा। इसको बनने में कितने मिनट लगते हैं? सिर्फ 5 मिनट। सब्जियां कटी होनी चाहिए तो मैंने ये बनाया। जिसका जो मन करे वो खा सकता है। तो मैं आज ये खा रही हूँ ओट्स। बस इसको पोर्शन आपको कंट्रोल करना है, ज्यादा नहीं खाना है, कम खाना है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने खाने में खा क्या रहे हो, यानी कि अनहेल्दी खाना है। अच्छा खाओगे तो आपका वेट 101% लूज होगा ही होगा। तो चलो आराम से खाते हैं इंजॉय करके। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था जब हम लोग वजन कम कर लेते हैं तो वो दोबारा क्यों वो बढ़ने लगता है, क्या कारण है। दो कारण मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताए थे, दो कारण को अब बताने वाली हूँ। तो नंबर 3 है एक्सरसाइज को छोड़ देना। जब हमको वजन कम करना होता है तब तो हम एक्सरसाइज करते हैं, 40 मिनट की, 50 मिनट की, 1 घंटे की एक्सरसाइज करते रहते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम में जाते हैं। अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हम लोग वॉक करते हैं या फिर हम दौड़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं वजन घटाने के लिए। लेकिन जैसे ही वजन कम होता है तो हम वही ट्रैक पे आ जाते हैं, हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, हम इवन वॉक करना भी छोड़ देते हैं, हम वही करने लगते हैं, हम बेड से उठ के खाना भी खुद नहीं लेते हैं, पानी भी खुद से तक से नहीं पीते हैं। तो वही रूटीन दोबारा आ जाता है। हम एक्सरसाइज इसलिए करते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म रेट हाई हो। अगर हाई होता है तो हमारा जो चर्बी है वो कम होने लगती है, और जब एक्सरसाइज छूटती है, हम बंद करते हैं, तो वो मेटाबॉलिज्म रेट गिरने लगता है, जिससे हमारी चर्बी क्या, हमारा फैट बढ़ने लगता है। तो एक्सरसाइज के क्या फायदे आप सब जानते हैं। अगर एक्सरसाइज को छोड़ दोगे तो आपका वेट 101% बढ़ेगा। एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आप ऐसी एक्टिविटी तो कम से कम करें कि उठ के पानी खुद से पिए, खाना खुद से बनाएं, आप वॉक करें, आप अपने अपना 100% दे। आपको ये सोचना है कि चलो मेरा वेट कम हो गया, अब मेरे को मेंटेन करना है, मेंटेन करने के लिए कुछ तो करूं। ये नहीं है ना कि आराम से बैठ जाऊं, कुछ तो करना पड़ेगा ना, तभी हमारा वेट मेंटेन रहेगा। एंड नंबर 4 है संगत का असर, यानी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनको नहीं मालूम है कि आपने अपनी वेट लॉस जर्नी को कितना टाइम दिया। आपने 1 साल दिया है, 7 महीने दिया, 8 महीने दिए, इवन आपने 1.5 साल भी दिए, उनको आपके स्ट्रगल का थोड़ी नहीं मालूम है। आपको सिर्फ पता है कि आपने क्या किया है अपने लिए। अगर वो कुछ खा रहे हैं, इवन वो मीठा खा रहे हैं या फास्ट फूड खा रहे हो, आपको पता है बोलेंगे खा ले कुछ नहीं होता, एक दिन खाने से कुछ होगा थोड़ी नहीं, तुम मोटी थोड़ी नहीं हो जाएगी या मोटा थोड़ी नहीं हो जाएगा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी पतली है या मोटी है, उनको ही मालूम है, पता आपको चलेगा, क्योंकि आपने ही अपनी वेट लॉस जर्नी को इतना टाइम दिया, इतना स्ट्रगल किया। इवन आप कितनी बार डीमोटिवेट हुए होंगे, फिर आप खड़े हुए होंगे, आपने ही अपने लिए वो चीजें की हैं। तो आपको खुद से देखना है कि अगर आपको कोई चीज ऑफर करे तो आपको बोलना है ना, आपको ये नहीं बोलना कि मैं खा लेता हूं, एक दिन से कुछ नहीं होगा, एक दिन से होगा ही होगा। आपको देखना है ना मेरे लिए क्या चीज अच्छी है और क्या चीज अच्छी नहीं है, आपको अपने अंदर वो चीज देखनी है, लोगों का नहीं सुनना है। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, लोग कोई कुछ नहीं होते। अगर आपको मोटा बोलेगा ना तभी आपको बुरा लगेगा, अगर आप पतली हो जाओगे ना तभी होता है क्या बोलेगा, कितनी पतली होगी या पतला हो गया, लोग मजाक बनाते हैं। तो आप लोगों का ये भी मत सुनो ना, आपने अगर अपना वजन कम कर लिया तो उनकी सुन के आप खा रहे हो। आप इतना ध्यान रखो कि आपकी लाइफ है, आपको अपने बारे में ही सोचना है। अपनी मेहनत पे पानी मत फेरो, आपकी मेहनत है, आप ही समझ सकते हो, कोई दूसरा नहीं समझेगा। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो घटा हुआ वजन है वो कभी भी नहीं बढ़ेगा। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी आपने खत्म कर चुके हो, आप अपनी मेंटेनेंस पे हो, आपका वेट जितना आपने कम करना था आप कर चुके हो, तो आपको इतना भी ध्यान रखना है कि आपने जो सब कुछ पहले किया है आप पूरा मत करें। अगर आपसे पूरा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका हेल्दी लाइफस्टाइल आपको सोचना है कि मैं क्या चीज मत छोड़ू जिससे मेरा वेट मेंटेन रहे। तो आप वो चीजें जरूर ध्यान रखें, आपका वजन कभी भी नहीं बढ़ेगा, ना हिले डुलेगा। आपको अगर आज के मेरे टिप्स अच्छे लगे हो या मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लगा। अगर आप नए हैं या न्यू मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब करना मत भूलें, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और अगर आप पुराने हैं नए हैं तो प्लीज एक लाइक करना भी मत भूलें, आपका एक लाइक भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।